हरियाणा के टोल प्लाजा और दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान आंदोलनकारियों ने खुद को और अपने परिवार को कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ किसान मोर्चा के नेता विकास सीसर ने यह ऐलान किया है कि आंदोलनकारी किसान ना तो खुद को कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, ना ही कोई किसान मास्क या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। हिसार में सिर्फ किसान मोर्चा के नेता विकास सीसर से खास बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। कोरोना की तीसरी लहर का देश को सामना करना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जिक्र अगर दिल्ली और हरियाणा का करें तो यहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण के इन्हीं बढ़ते मामलों को लेकर आंदोलनकारी किसानों को ये डर सता रहा है कि कहीं कोरोना की आड़ में उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से अब ये दो टू कह दिया गया है कि ना तो वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता विकास सीसर। विकास, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, तीसरी लहर माना जा रहा है कि देश में सामने आ चुकी है। ऐसे में आंदोलनकारियों की जो बड़ी भीड़, चाहे दिल्ली की सरहदों की बात की जाए और चाहे टोल प्लाजा की बात की जाए, हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पर चूंकि हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, कोरोना का खतरा उनके ऊपर भी बन रहा है और लगातार ये डर जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये बीमारी है, ये एक मैं ये समझता हूँ कि डर बैठा कर पैदा की हुई बीमारी है, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से आंदोलन के अंदर हैं और दिल्ली के चारों लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, ना कोई मास्क है, ना कोई हैंड वॉशिंग है, उसके बावजूद भी एक भी किसान पॉजिटिव नहीं मिला है। और ये सरकार जो इस बीमारी का बहाना बना करके लोगों को डरा करके, धमका करके, लोगों को परेशान करके इस आंदोलन में अगर कोई खलबली पैदा करना चाहती है तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ये बीमारी, ना मास्क लगाने दे हम ही, क्योंकि मास्क पहले ऑक्सीजन नहीं है देश में। अगर मास्क लगावांगे तो वे फेफड़े सूख जाएंगे, हैंड वॉश करवावाएंगे, शराब तक करवाएंगे, जो मित्र कीट आदमी के हुए जबरदस्ती, मैं ये समझता हूँ कि जबरदस्ती लोगों को बीमार करके जबरदस्ती टीके लगवाए जा रहे हैं। और आज ही हमारे पास में, मेरे पास में है बडाला गांव, वहां टीका लगाया था एक साथी का, तो आधे घंटे के अंदर मृत्यु हो चुकी है। न्याणा गांव के अंदर, ढाणी मोहम्मद के अंदर, मोहम्मदपुर के अंदर, अगर इस प्रकार की वैक्सीन हमें देंगे तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर गांव के अंदर उन डॉक्टरों को, उन वैक्सीन लगाने वालों को घुसने नहीं देंगे, बंद ही बनाएंगे। विकास, आप साफ तौर से बात कर रहे हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं आप उसे शक के दायरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही ये भी कि ना तो दिल्ली की सरहदों पर बैठे आंदोलनकारी और ना ही हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी कोरोना की वैक्सीन किसी भी सूरत में खुद को लगवाएंगे। देखिए, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अखबार भी कह रहे हैं, जो इन्होंने वैक्सीन की जो रिकवरी बताई वो कह रहे हैं कि 96% लोग बचेंगे, 4 तो मरे ही मरेंगे सहमत है। और जो कोरोना की जो पिछले दिनों में रिकवरी थी वो 98% तक आ रही थी, अपने आप जो रिकवर कर जाता शरीर, और परमात्मा ने शरीर आदमी का खुद का डॉक्टर, जो खुद का शरीर है, और जो ये इस प्रकार की वैक्सीन हम लगवा भी लेंगे, बीमारी ही नहीं तो वैक्सीन तो जब लगवाओ ना, कोई बीमारी हो। ये बीमारी पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जा रही, चुनाव हो है, पीछे से बिहार में चुनाव थे, बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री कर रहा था, जब वह बीमारी तो बिल में बढ़ जाओ है। इतनी समझदार बीमारी है भारत देश में कुक करा गई कि आज प्रधानमंत्री जो रैली मजाक कर रहा है तो उड़े तो गुम हो जाए है, और जब किसान बैठे उड़े पैदा हो जाए, या इतनी बड़ी लगी बीमारी आ रही इसे देश में पैदा क्यों करोगी। ये कोई बीमारी नहीं है, वैक्सीन तैयार करी गई है, वही पूंजीपति लोग इस वैक्सीन के पीछे हैं, जो पूंजीपति लोग काले कानून बनाने के पीछे हैं, और इनका मुख्य जो मकसद है वैक्सीन के नाम पर भय पैदा करके एक बड़ी पूंजी का व्यापार तैयार करना, क्योंकि तो आने वाली हमारी नस्ल जो पैदा हुआ, जैसे पहले वैक्सीन लग रही बच्चों के, इसी प्रकार तक जो भी देश में बच्चा पैदा हुआ है उसी बच्चे के वो वैक्सीन लगाई जाए कंटिन्यू। आप दो टू की बात कर रहे हैं कि ना तो देखिए सरहदों पर बैठे आंदोलनकारी किसान और ना ही हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी किसान किसी भी सूरत में कोरोना का वैक्सीन खुद को लगवाएंगे। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और ना आज तक पहले लगवाया, दिल्ली के चार महीने हो गए हमने बैठा ना। हमने तो किसान को ये भी कह रहा है, क्या भाई जिसको ज्यादा मरना डर लगता है मास्क ला के, कोई किसान आप जाके देख सको, एक भी किसान मास्क ला के नहीं बैठा, और यहाँ आप कैमरा घुमाओ कोई किसी किसान का मास्क को। तो और सरकार ये कह रही थी कि बुजुर्ग ने जो तोली मारे है, ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक पॉजिटिव आज तक 4 महीने में नहीं मिला, लेकिन बुजुर्ग जो मारे जा रहे हैं वो तो वैक्सीन तो मारेंगे। तो विकास,
काका साहब ये बात जानते हैं कि कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइंस देश भर में जारी की गई हैं, अगर उन गाइडलाइंस के चलते भीड़ को हटाने की जरूरत पड़े तो क्या आंदोलनकारी किसान तैयार? देखिए गाइडलाइन जो इस देश के अंदर जो भी चल रही है, चाहे कोरोना की चल रही है, जो संपत्ति अधिनियम जो बनाया जा रहा है विधानसभा के अंदर, हरियाणा में बनाया जा रहा है, चाहे काले कानून की बात कर लो, सारे जो नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं ना, एक एक चीज का फोकस है, सारी इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है एक तरह से। ऐसे कानून ऐसे गाइडलाइन बनाई जा रही है कि मजबूर मेरे बीमारी अगर ना बीमारी है वह सरकार तय करेगी, मन इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाना वह सरकार तय करेगी, तो मैं किस लिए पैदा हो रहे हैं धरती के ऊपर, मेरा इंजेक्शन लग रहा है ये मैं तय करूंगा, मेरे बीमारी है कि नहीं है ये मैं तय करूंगा। लेकिन सारी चीज आज जो है किसान को मजदूर को कौन सा बीज बोगा वह भी सरकार तय करेगी, कौन सा खरीदेगा ना खरीदा वह भी सरकार तय करेगी, घरा रंगे कि नहीं रंगे वह सरकार तय करेगी, के पार आंगे के ओडा वह सरकार तय करेगी, फिर हम क्यों पैदा करेगा धरती पर। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता विकास सिंह सरदोटू की बात कर रहे हैं कि ना तो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हजारों की तादाद में आंदोलनकारी कोरोना का वैक्सीन खुद को लगवाएंगे, ना वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारी मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और कोरोना का वैक्सीन भी खुद को नहीं लगवाएंगे। तो ऐसे में कोरोना की गाइडलाइंस को लागू करवाना अब जिला प्रशासन, हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।